सरकार में इसको ईगो की बात नहीं बतानी चाहिए। संसद को चलाने का काम सरकार का भी है और सरकार इस तरह के निर्णय करती है तो जनता के प्रतिरोध का हम हाउस में उसका एक्सप्रेशन करेंगे। सरकार अगर ईमानदारी से सोचने की कोशिश करती है तो इस पूरे मामले को स्टे करें, स्थगित करें, सस्पेंड करें। हाउस में महंगाई की चर्चा है, काले धन की चर्चा है, होनी चाहिए, देश अपेक्षा करता है, लेकिन सरकार की पूरी नीति क्या है यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस कांसल उन्होंने कहा कई सारे हमारे साथ सांसद हैं और हम पीएम को चिट्ठी भी लिखेंगे। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े गुणी मंत्री हैं जो सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी विषय पर, लेकिन इस विषय पर मैं किसी उन गुणी मंत्रियों की टोली क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देख पा रहा हूँ जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। तो ये अपने आप में है। मैं एक ही बात कहूँगा, भाजपा की ओर से हम भी सुधारों के पक्षधर हैं, लेकिन जहाँ भारत के हित की बात आई हमने समझौता नहीं किया। फार्म रिफॉर्म में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सब्सिडी को हटाने की बात थी, आपको मालूम है, WTO ने, हम नहीं झुके, चाहे वो दोहा राउंड हो या बाकी राउंड हो। उसी प्रकार से इन्वायरमेंट का विषय आया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था एमिशन कट पर, हम नहीं झुके। तो FDI का आना खुदरा में देश हित में नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा और हम देश के हित में अपनी बात उठाते रहेंगे। सदन को चलाने का काम सरकार का है।